देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। क्या आप बहुत ज्यादा भूलते हैं? क्या आप कीज रखकर भूल जाते हैं? कभी फ्रिज खोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि किस चीज के लिए फ्रिज खोला था। ऐसा बोलते हैं कि वो दे दो और बोल नहीं पाते कि क्या आपके दिमाग में है। तो क्या आपको लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? कहीं ये डिमेंशिया तो नहीं? क्या ये एज रिलेटेड फैक्टर है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत भूलना तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल एजिंग का हिस्सा है, पर दिक्कत तब होती है जब ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट या फिर डिमेंशिया में तब्दील हो जाए। डिमेंशिया में लोग अपनी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में कुछ बदलाव देखते हैं, जैसे कि सोचना, याद रखना, कुछ नया सीखना या रीजनिंग करना, इन सब चीज़ों में उनको दिक्कत आने लगती है। इसके मरीजों ने अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी फर्क देखा है। तो बता दें, चार तरह के डिमेंशिया होते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, रोंटो टेम्पोरल डिमेंशिया और वैस्कुलर डिमेंशिया। तो हम विस्तार से बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। स्वागत है आपका सर श्रेष्ठ भारत में। और हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो थोड़ा बहुत भूलते हैं और डिमेंशिया है, उसमें हम फर्क जानेंगे। लेकिन मैं पहले सबसे आसान भाषा में आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस है, क्या ये नॉर्मल है? देखिए मैम, एज जैसे जैसे बढ़ती है तो ब्रेन के सेल्स कम होते जाते हैं, बिकॉज एज के साथ साथ ब्रेन की रिजनरेशन होती है। वो सेल्स कम होने से हमारे ब्रेन की जो वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी है वो भी थोड़ी थोड़ी कम होती है, पर वो इतनी कम नहीं होती कि हमारे रोजमर्रा के काम में उससे परेशानी हो। तो जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस है, जो थोड़ा थोड़ा होता है, वो हमारी डेली एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं करता है बिल्कुल भी, और यही उसमें और डिमेंशिया में फर्क है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसी चीजें करें कि एज रिलेटेड ये जो फॉरगेटफुलनेस होती है ये हम पर असर ना करे? बिल्कुल पॉसिबल है मैम, और यही अच्छी बात है कि अगर हम कुछ हैबिट्स अपनाएं जो हमारे ब्रेन की हेल्थ को बेटर करे और हमारे ब्रेन के सेल्स की सुरक्षा करे, तो हम एज रिलेटेड मेमोरी डिक्लाइन को भी कम कर सकते हैं और डिमेंशिया के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। चलिए, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं और हैबिट्स के बारे में हम आगे जानेंगे और आपसे कार्यक्रम में। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम डिमेंशिया की बात भी यहाँ पे करना चाहते हैं, तो जो एज रिलेटेड जो आपकी मेमोरी लॉस होता है और जो डिमेंशिया है, उन दोनों में फर्क कैसे करें? लोग कैसे समझें कि उनको अगर कुछ असर पड़ रहा है तो ये ओके है, या फिर उनको लगे कि हाँ डॉक्टर के पास जाना है? फर्क कैसे करें? जब मेमोरी डिक्लाइन इतना बढ़ जाता है कि हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी में, हमारी डेली लिविंग में असर डालने लगे, जैसे कि हम इम्पोर्टेंट चीजें भूलने लगे, पैसों की कैलकुलेशन में गड़बड़ करने लगे, रास्ते भूलने लगे, नाम भूल जाएं, डेट्स भूल जाएं, इसका असर हमारी सोशल पर्सनल लाइफ पे पड़ने लगे, तो हम उसे बोलते हैं कि ये मेमोरी डिक्लाइन अब नॉर्मल डिक्लाइन नहीं रहा और डिमेंशिया की कैटेगरी में आ गया। जैसे मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आप कभी कभी आप डेट भूल जाते हो, लेकिन आप फिर आप ध्यान देते हो तो डेट याद आ जाती है, तो डिमेंशिया में आप ये, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ कि ये भूलना कितना ज्यादा बढ़ सकता है कि आपकी डेली लाइफ को ये हैम्पर करे। देखिए मैम, क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी आदमी डेट भूल जाता है या कुछ सामान रख के भूल जाता है, और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारा माइंड बहुत ऑक्यूपाइड है, हमारे माइंड में अटेंशन की कमी है, मल्टीटास्किंग करते हैं, और उसे ये सब चीजें आसानी से याद आ जाती है। पर जो लोग, जिनको डिमेंशिया होता है, उन्हें डेफिसिट ऑफ न्यू लर्निंग होता है, वो नई चीजें सीख और समझ नहीं पाते। तो डिमेंशिया के मरीज को अगर हम डेट बताएंगे तो हो सकता है वो आधे घंटे बाद रिपीट कर दे, पर कुछ समय बाद वो फिर भूल जाता है। आपको आज मैं डेट बताऊंगा कि 16 है तो कल आप याद कर पाएंगे, कल 16 की तो आज 17 होंगे, पर डिमेंशिया का पेशेंट ये कैलकुलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा और वो कल भी उसी डेट को भूला होगा। तो डिमेंशिया के लोग एक ही चीज को बार बार भूलते हैं, जैसे कि वो खाना खाकर भूल जाते हैं, कौन सा फेस्टिवल गया ये भूल जाते हैं, चीजों का नाम लेना भूल जाते हैं, जैसे कि अगर उनको गिलास चाहिए तो वो गिलास नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं वो चीज जिसमें पानी पीते हैं वो दे दो,
या उनको पेन चाहिए तो वो कलम या पेन नहीं बोल पाते, वो बोलते वो दे दो ऐसे भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिमेंशिया के लोग नाम भी भूल जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने परिवारजनों को पहचानना भूल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं। पर सबसे हैरानी और समझने की बात यह है कि डिमेंशिया में पुरानी याददाश्त बिल्कुल ठीक रहती है। तो जो डिमेंशिया के लोग हैं उनको ये याद रहता है कि उनकी शादी के दिन क्या हुआ था, वो रिटायर कब हुए थे, बच्चे के बर्थडे के दिन क्या हुआ था, और वो इतना अच्छा याद होता है कि आपको लगता है कि इस आदमी को भूलने की बीमारी कैसे हो सकती। पर डिमेंशिया में नई बीमारी या शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेफिसिट होता है, शुरू में लॉन्ग टर्म मेमोरी का डेफिसिट नहीं होता। इसलिए नई चीजें समझना या याद करने का प्रॉब्लम होती है उन्हें, उसका डेफिसिट होता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कितनी कैसी बात बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण की, जो डिमेंशिया के मरीज हैं शायद पहले का सब कुछ याद रहे लेकिन अभी की जो चीज़ें हैं रोजमर्रा की चीज़ें उसके अंदर वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण क्या 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 चीज़ें हैं जिससे हमारी याददाश्त पर असर पड़ सकता है? हम चाहेंगे कुछ फैक्टर्स बताएं जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो समझें कि किन किन चीज़ों से उनकी याददाश्त पर असर पड़ सकता है। देखिए ये बातें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इनका ध्यान देंगे तो हम अपनी याददाश्त को और अपने ब्रेन हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डेली एक्सरसाइज। आपको हैरानी होगी कि एक्सरसाइज से दिमाग कैसे तेज हो सकता है, और अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी बॉडी और ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को बेटर करती है जिससे वो डिमेंशिया के रिस्क को कम। दूसरा है मन और जी, यानी कि एक्सरसाइज से आपके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपका ब्रेन की हेल्थ भी ठीक रहती है। एब्सोल्युटली मैम। दूसरी चीज है कि हम अगर फल सब्जी अच्छे से खाएं उसमें एंटीऑक्सीडेंट और बी विटामिन्स होते हैं। रिसर्च बताती है कि एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन डैमेज से हमें बचाते हैं और बी विटामिन्स डिमेंशिया को रोकने में हेल्प करते हैं। हमारे देश में विटामिन B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन है जो मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, और क्योंकि विटामिन B12 वेजिटेरियन डाइट में ज्यादा होता नहीं है, वो एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है, और आधुनिक समय में हम लोग दूध का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है जो मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन। तीसरी चीज है कि हम मल्टीटास्किंग ना करें ज्यादा, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारे मेंटल रिसोर्सेस को खर्च करती है और हमारी मेमोरी में इंटरफेयर करती है। चौथी चीज स्ट्रेस। यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण हम मल्टीटास्किंग पर आना चाहेंगे, हम जाएंगे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि आजकल इतने सारे काम एक साथ होते हैं तो मल्टीटास्किंग से कैसे बचे? मल्टीटास्किंग तो करनी पड़ती है, आपको ऑफिस में कर रहे हैं, आप घर पे कर रहे हैं, महिलाएं घर पे करती है मल्टीटास्किंग, तो आप कैसे बच सकते हैं मल्टीटास्किंग से? देखिए मल्टीटास्किंग का लेवल है, हमारी जो मल्टीटास्किंग के लेवल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले एक काम करते हैं फिर दो करते हैं फिर तीन चार चार चीजों में अपना दिमाग साथ साथ लगा। होता क्या है मैम, जैसे आप एक ऐप के ऊपर एक फोन के ऊपर अगर चार ऐप एक साथ खोल दो या कंप्यूटर पे चार फाइल खोल दो तो आप फाइल्स को सेव करना भूल जाते हो, तो वो डेटा सेव नहीं होता या कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है, क्योंकि एक कंप्यूटर की फाइनाइट वर्किंग कैपेसिटी उसके प्रोसेसर की। ऐसे ही आपके ब्रेन में अगर आप चार चीजें एक साथ करोगे, सपोज मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूं और सोच रहा हूं कि मेरे पेशेंट नीचे क्या कर रहे होंगे, तो मैं आपकी बात पे पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो मैं उसे रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे को मेमोरी लॉस होना पड़ेगा। इसको हम बच कैसे सकते हैं? अगर हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें और ऑर्गेनाइज करें, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या सेकेंड लेवल पे जरूरी है, क्या थर्ड लेवल पे जरूरी है और क्या बिल्कुल जरूरी नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी सीरियल देखता हूँ, अगर मैं टीवी सीरियल देखते हुए कुछ वर्क के बारे में सोच रहा हूं तो मुझे इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं शायद टीवी सीरियल को भूल जाऊंगा। पर अगर मैं अपने बॉस से इंस्ट्रक्शन लेते हुए ये सोच रहा हूं कि मेरे घर में क्या हो रहा है तो मैं अपनी बॉस की इंस्ट्रक्शन को भूल जाऊंगा। इसलिए हमें उस मल्टीटास्किंग को भी स्ट्रीमलाइन करना है कि हम कब करें कब नहीं करें। अगर हम वो करेंगे तो हम अपनी मेमोरी और परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएंगे। यानी कि डॉक्टर प्रवीण आपकी बात अगर समझें तो हम कई चीज़ें हम कुछ किसी काम में कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन साथ में कुछ चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी है उसके लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैम। देखिए क्या होता है, स्ट्रेस जब आदमी को होती है तो वो
उस स्ट्रेसफुल चीज के बारे में सोच रहा होता है और बात किसी और से कर रहा होता है, या ऑफिस में काम कर रहा है फाइल पे कंप्यूटर पे और सोच रहा है कि वो क्या होगा, ये कैसे होगा, चिंता में घुरा, तो वो अपनी पूरी अटेंशन अपना फोकस उस पर लगा नहीं पाता, तो उससे उसकी मेमोरी कम होती रहती है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है मॉडर्न टाइम में मेमोरी लॉस। यहाँ पर मैं जी यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण अल्जाइमर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट बात कर रहे हैं कि किस चीज़ से हमारी मेमोरी बेहतर रहे आगे तक पूरी उम्र तक, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमारी याददाश्त पर असर डाल सकती हैं? किसी को चोट लग जाती है, बचपन में चोट लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कई बार हो जाता है मिस हैपनिंग, तो क्या इससे असर पड़ सकता है मेमोरी पर? क्या स्ट्रेस से असर पड़ सकता है मेमोरी पर? देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेस हमारी मेमोरी बैंडविड्थ की कैपेसिटी को खराब करती है और हमारी वर्किंग मेमोरी को कम कर देती है, क्योंकि हमारे माइंड के ट्रांसमिटर्स स्ट्रेस या सोचने में खर्च हो जाते हैं, तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमें बचपन में या कभी भी हेड इंजरी हो या किसी को मेमोरी लॉस चल रहा है और ऊपर से हेड इंजरी हो जाए, तो वो हेड इंजरी उसके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करके उसके डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ा देती है। जितनी सीवियर इंजरी होगी उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। इसी तरह अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या पुराना ब्रेन इंफेक्शन हो जाए, वो भी उसके ब्रेन सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करता है, वो डैमेज करने से भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ा देता है। एल्कोहल, स्मोकिंग, एल्कोहल और स्मोकिंग, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि एल्कोहल एक ब्रेन टॉक्सिन है। वो हमें अच्छा इसलिए लगता है कि वो हमें अपनी चिंताओं से हटा देता है, पर वो ये काम करता है हमारे सेल्स को कमजोर करके, उनको वीक करके। तो क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक से एक तो हमारे बॉडी में विटामिन सी डिफिशियंसी हो जाती है, दूसरा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो जाता है, तीसरा हमारे न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं और वो मेमोरी लॉस का सिग्निफिकेंट कारण बन सकता है। स्मोकिंग इज पब्लिक हेल्थ एनिमी नंबर वन। वो हमारी बॉडी की आर्टरीज को, हमारे लंग्स को डैमेज करता है। आर्टरीज डैमेज होने से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सब बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जो मिलके हमारे ब्रेन के डैमेज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती हैं, जिससे डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर प्रवीण, कई व्यूअर्स हैं, महिला व्यूअर्स हैं, उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि कई बार डिलीवरी के बाद काफ़ी हद तक उनकी मेमोरी पे असर पड़ता है। क्या ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की मेमोरी पर असर पड़ता है और वो कुछ टाइम में ठीक हो सकता है, अगर डिलीवरी के बाद ऐसा होता है तो? इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। एक, महिला जब डिलीवरी करती है तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, तो शी गोज थ्रू मेनी चेंजेस मेंटली और फिजिकली ऑल्सो बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल चेंजेस। सेकेंड चीज, डिलीवरी के बाद मदर की स्लीप और उसका खाना दोनों डिस्टर्ब हो जाता है, और ठीक स्लीप और खाना हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथी चीज, कभी कभी लेडीज को डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस से हमारे ब्रेन के ट्रांसमीटर्स पे असर पड़ता है, तो माइंड की शक्ति कम हो जाती है, वो कभी कभी सस्पिशियस हो जाती हैं या सैड हो जाती हैं या चिंता में चली जाती हैं, जो भी उनकी मेंटल हेल्थ पे असर करता है। पर क्योंकि ये सब ट्रांजिएंट है, धीरे धीरे ये सारे फैक्टर्स खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं, और अगर खुद से ना ठीक हो रहे हो या जरूरत से ज्यादा हो तो इनका इलाज भी संभव है, तो ये सारी चीजें रिजॉल्व कर जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे बात बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण की, सब चीजें होती हैं, इनको एक्सेप्ट करना जरूरी है और इन पर काम भी करना जरूरी है। अब मैं डॉक्टर प्रवीण आना चाहूंगी अल्जाइमर पे। मैं चाहूंगी आप बताएं अल्जाइमर क्या है और ये डिमेंशिया से अलग कैसे है, वो हम चाहेंगे आप एक्सप्लेन करें हमें। देखिए, डिमेंशिया एक भूलने की बीमारी है जो बढ़ते बढ़ते आपकी डेली लाइफ को खराब करने लगती है, और ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। डिमेंशिया के बहुत टाइप्स हैं, जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, DLBD। अल्जाइमर सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, जो ब्रेन में एमेलॉइड बीटा प्रोटीन डिपॉजिट होने के कारण
ब्रेन सेल्स के इंटरकनेक्शंस को खराब कर देता है, जिससे ब्रेन के सेल्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ठीक से नहीं कर पाते। उनमें एसिटाइल कोलीन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे मेमोरी सर्किट्स खराब या डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम नई चीजों को लर्न करना भूल जाते हैं, तो हम मेमोरी बैंक नहीं बना पाते। सपोज एक आदमी को आज डिमेंशिया हुआ और वो नई चीजें लर्न करना भूल गया, तो अगले 3 साल तक होने वाली कोई भी चीज को वो रिस्टोर या जनरेट या लिंक नहीं कर पाएगा, तो उसको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी होने लगेगी अपनी डेली लाइफ। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज है, जो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जो ब्रेन डिजनरेशन की वजह से होता है और डिमेंशिया का सबसे कॉमन कारण। तो डॉक्टर प्रवीण, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अल्जाइमर कितना ज्यादा मरीज है उसकी जिंदगी को इफेक्ट कर सकता है, कितनी बड़ी ये समस्या बन सकती है? देखिए, अल्जाइमर एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि जो चीज नाम भूलने से या तारीख भूलने से शुरू होती है, अल्जाइमर्स के लोग अपने परिवार जनों के नाम और उनको पहचानना भी बंद कर देते हैं। वो अपने घर में रास्ता भूल, अपने घर में ही कमरे और टॉयलेट भूल जाते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर का ही रास्ता भूल जाते हैं और खो जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज के लोग खाना खाकर भूल जाते हैं, उससे उनकी न्यूट्रिशन खराब हो जाती है। लोगों अपना खुद का काम, कैलकुलेशन, अपने चीजें कहाँ रखी हैं, वो सब भूल जाते हैं। आगे चलते चलते वो इतना कुछ भूल जाते हैं कि अपने आप को ड्रेस कैसे करना है, अपनी खुद की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, जिसे हम सेल्फ केयर बोलते हैं, उसे भी भूल जाते हैं। तो जब इसकी लास्ट स्टेज आती है तो लोग अपने परिवार वालों पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनको पहचानते भी नहीं। इसके साथ साथ उसमें व्यवहार में बहुत सारे चेंज आते हैं, या तो वो बिल्कुल ही विड्रॉन हो जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, या वो बहुत एजिटेट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सेल्फ टॉकिंग करने लगते हैं, उनको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, या फिर वो सस्पिशियस हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पे, अपने पार्टनर पे ही शक करने लगते हैं। सो अल्जाइमर्स कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट डिजीज टू हैंडल फॉर द पेशेंट। क्या क्या अल्जाइमर की स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं? एक प्री क्लिनिकल स्टेज होती है जब ब्रेन में डैमेज हो रही होती है पर मरीज को बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते। सेकेंड स्टेज माइल्ड और अर्ली अल्जाइमर्स डिजीज होती है, जब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मरीज को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है कि वो भूल रहा है, जैसे लोगों के नाम भूल गया, शब्द भूल गया, कुछ कहीं जगह का रास्ता भूल गया। फिर बहुत लंबी मिडिल स्टेज होती है अल्जाइमर डिजीज की, जिसमें धीरे धीरे वो अपने परिवार वालों को पहचानना भूल जाता है, अपना काम नहीं कर पाता, अपना सामान रख के भूल जाता है, डेट, खाना, जगह, लोकेशन, ये सब भूल जाता है, जो चीजें उसने लर्न करी है वो भी भूल जाता है। फिर लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर मरीज अपनी सेल्फ केयर भी नहीं कर पाता, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है केयर टेकर पे या फैमिली मेंबर्स पे, खाने के लिए, नहाने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए, मूवमेंट के लिए, और उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी भी आने लगती है उसको। क्या अल्जाइमर 65 के बाद ही होता है, ऐसा है? ओल्ड एज में ज्यादा? हाँ, ये एज लिंक डिजीज है, इसलिए होता उसके बाद ही है, पर कुछ लोगों को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज भी हो सकता है। क्या इसको दवाइयों से या पता चल जाए, आप देख लो, आप टेस्ट करवा लो, क्या इसको, इसके प्रोसेस को रोक सकते हैं, या एक बार ये डिजीज हो जाए तो परेशानी होती है? देखिए मैडम, अल्जाइमर्स के रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स पे अर्ली एज से काम करें तो हम अल्जाइमर्स के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं और उसे डिले कर सकते हैं। पर अगर एक बार किसी को अल्जाइमर्स हो गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कारण हैं जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, थायराइड डेफिशिएंसी, ब्रेन में ट्यूमर या ब्रेन में ब्लीडिंग, जिनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, पर वो अल्जाइमर्स डिजीज है, उन्हें हम रिवर्सिबल डिमेंशिया बोलते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ना क्योर कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस को हम बस कम कर सकते हैं, मतलब इसकी जो रफ्तार है उसे हम धीमा कर सकते हैं, इससे उत्पन्न होने वाली साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स या व्यवहारिक प्रॉब्लम्स को बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, मैं जानना चाहूंगी आपसे, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे अपनी याददाश्त को, जो 30s में है, 40s में है, अपनी याददाश्त को किस तरीके से उसका ध्यान रखें, क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ की बात तो करते हैं लेकिन कई बार हम मेंटल हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखते हैं।
तो अपनी याददाश्त पर कैसे हम अपने 30s से शुरुआत करें कि अपने दिमाग का हमें ध्यान रखना है कि सब सही रहे आगे ओल्ड एज में भी। आपने बहुत अच्छी बात बोली है मैम। देखिए क्या है कि अगर हमें एक अच्छी ओल्ड एज चाहिए तो हमारा जो एफर्ट है वो 30-40 साल की उम्र से ही चालू हो जाना चाहिए, विच इंक्लूड्स हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, विच इंक्लूड्स स्लीपिंग ऑन टाइम, अवॉइडिंग स्ट्रेस, खाना ढंग से खाएं जिसमें फल और सब्जी अच्छे से खाएं, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाएं, अपने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का ध्यान रखें, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें ताकि वो ब्रेन को डैमेज नहीं करे, हम रोज वॉक करें एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी एडिक्शन से बचें, हम अगर हमें कोई इलनेस है जैसे ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक या डायबिटीज उसका ठीक से ध्यान रखें, और अपने माइंड को एंगेज करें इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज में जैसे सुडोकू पजल्स, ताकि अपने माइंड को जैसे हम फिजिकली मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अपने न्यूरॉन्स को भी ताकतवर करने के लिए हम मेंटल एक्सरसाइज करें, डिजिटल चीजों पर डिपेंडेंट ना हो, अपने दिमाग को शार्प रखें। डॉक्टर प्रवीण आपने डिजिटल चीजों की बात कही है, अक्सर लोगों की आदत होती है अपने आराम से अपने बेडरूम में चले गए आराम से सोने से पहले 10-15 मिनट वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? क्या है, एक तो आजकल डिजिटल एमनेजिया बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि फेसबुक हमें बर्थडे बता देगा, सब कुछ फोन में स्टोर हो जाएगा, तो हम खुद याद करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम याद करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें याद रखने की ताकत हमारी कम होती जाएगी, डिस्यूज एट्रोफी होती जाएगी, तो इसलिए हमें कोशिश करनी है चाहे हमारे पास डिजिटल बैकअप भी हो पर हमें उसकी वजह से अपनी क्षमता को कम नहीं करना है, अपने माइंड को एक्टिव रखना। सेकेंड, स्लीप के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, क्योंकि हमारी मेमोरी स्लीप में स्टोर और रजिस्टर होती है और हमारा ब्रेन मेमोरी को प्लान और ऑर्गेनाइज स्लीप में करता है, हमें चाहिए कि सोने से पहले अपने माइंड को शांत रखें, उसको धीरे धीरे क्वाइट करें, कमरे की बत्ती हल्की कर दें, कोई मेंटली स्टिमुलेटिंग जो दिमाग में उत्तेजना लाए ऐसी चीजों को ना देखें क्योंकि वो हमारी स्लीप की क्वालिटी से इंटरफेयर करता है। इसे हम अच्छी स्लीप हाइजीन, और ये वीडियो देखना और मोबाइल पे रहना ये एक्चुअली स्लीप डिस्टर्बेंसेस का एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि जो आप पूरा प्लान करते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो कि ये काम करना है, वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिस्ट बनाओ, उस हिसाब से काम करो और लगातार अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो आप। एब्सोल्युटली मैम, देखिए टू डू लिस्ट बनाएं, अपनी लाइफ को अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें, चीजों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से समय दें, बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश ना करें, और जब दिन खत्म हो रहा हो तो सोने से आधा एक घंटे पहले अपने दिन को रैप अप कर दें, एक शांत क्लीन दिमाग से सोएं ताकि आपको एक अच्छी नींद आए, उस नींद में आपका दिमाग दिन भर की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर पाए, अच्छी हेल्दी हैबिट्स लें। डॉक्टर प्रवीण, एक और चीज, क्योंकि हम सोने की बात कर रहे हैं, क्या जल्दी सोने से भी आपके दिमाग को फायदा होगा, जल्दी सोने से, क्योंकि सब लेट सोते हैं, 12-1-2 बज जाते हैं? देखिए मैम, हमारे ब्रेन का एक साइकिल है जो सनलाइट साइकिल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं डायर्नल साइकिल, तो जितना हम लेट सोएंगे, जितना कम सोएंगे, हमारे ब्रेन को उतना कम रेस्ट मिलेगा, हमारे न्यूरॉन्स को उतना कम टाइम मिलेगा हमारे ब्रेन को रिवाइव करने के लिए, उसे रिपेयर और रिस्टोर करने के लिए, और मेमोरीज को स्टोर करने के लिए। तो टाइमली और एडिक्वेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण, आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी हैं। तो जरूर आपने सुना होगा और ये समझा होगा कि कितना जरूरी है कि हम चीज़ों को प्लान करें, मल्टीटास्किंग ना करें, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। आपको अभी से ही अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी मेमोरी पे काम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि 60 के बाद आपको कोई और मेमोरी रिलेटेड कोई डिजीज ना हो। तो हमारे इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।